हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये टच, ये जैसे हम पूरा टच भी नहीं करते इस फ़ोन को, फिर भी अपने आप टच करते हैं। ये पोको F1 डिवाइस है। तो आप देख सकते हो मैंने वो यूट्यूब खोल के रखा हुआ है। तो इसके अंदर मैं पहले आपको नॉर्मल, वैसे टच तो सही काम कर रहा है इसका, तो मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ क्या चीज़ कह रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर मैं इस एंगल में दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा मैं क्या चीज़ कहना चाहता हूँ। ये देखिए, मेरा अभी तक पूरा टच भी नहीं हो रहा। आप देख सकते हो इसके अंदर थोड़ा डार्क हो रहा है। वो आपको साउंड भी आ जाएगी जब ये टच होटेगा, इसलिए मैंने साउंड ऑन करके रखी हुई है इसकी। ये देखिए, टच भी नहीं, मेरी थंब जो हो रहा है वो टच भी नहीं कर रहा, फिर भी अपना भी रिस्पॉन्स दे रहा है। मैंने बाकी डिवाइसेस के साथ भी टेस्ट करके देखा था, कोई Note 4 के साथ भी किया था, जो सैमसंग के भी कुछ फ़ोनों के साथ करके देखा, रियलमी के भी, पर उनके साथ नहीं ऐसा होता। पोको F1 के मेरे पास दो डिवाइसेज है, दोनों के साथ ये ऐसा हो रहा है। ये देखिए, जगह बसती है, पूरा टच नहीं होता मेरा थंब, फिर भी टच कर लेता है। बाकी अक्षरों के अंदर अभी ऐसे ही, जैसे देखिए L को मैं दबा रहा हूँ, देखिए मैं बिल्कुल भी थंब को पूरा टच नहीं कर रहा, ये अपने आप टच हो रहा। तो अभी तो एक बार मेरे से टच हो गया था, और जब अभी तो मैं आपको अलग एंगल से दिखा रहा था, और जब कोई नॉर्मल यूज़ कर रहा है तो उसको ऐसा लगेगा। ये देखो, टच भी नहीं कर रहा मैं, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है मैं टच करूँ। जैसे अब तो दबाते, अब तो पता चलता है ना हम टच कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल हवा में है मेरा। ये देखिए, ये स्पेस बसती थोड़ी सी है, पर ये टच कर देता है, मैं टच स्क्रीन को छू भी नहीं रहा। और ये थंब के साथ ही ज़्यादा होता है, जैसे कोई मैं फिंगर के साथ करके देखूँ तो फिंगर के साथ नहीं होता। ये देखिए, फिंगर को तो पूरा टच करना पड़ता है, फिंगर का नहीं होता, थंब के साथ ही होता है ज़्यादा। तो इसका मुझे रीज़न तो पता नहीं क्यों करता है टच, मैं आपको बस दिखाना चाहता था ऐसे भी टच करता है ये फ़ोन। और अब ये तो है नहीं, ये टच सारे फ़ोन करते हैं यही कर रहा है, क्योंकि मैंने सैमसंग के फ़ोनों पर ट्राई करके देखा था, उसके अंदर पूरा टच करना पड़ता है, ना फिंगरों से होता ना थंब से, पूरा मतलब पूरे करना पड़ता है, हवा में नहीं होता। ये थोड़ी सी जितनी जगह इसके अंदर बच रही है उससे भी नहीं होता, उसके अंदर टच पूरा करना पड़ता है। तो मुझे पता नहीं है किस कारण करता टच, बस मैं आपको दिखाना चाहता था। ये ऐसे ही, ये मेरा जो F1 डिवाइस है, पोको F1, मेरे पास दो डिवाइसेस है, सेम मॉडल है, F1 ही है, तो दोनों के अंदर ही होता है। तो कई बार जैसे कुछ, जैसे वीडियो वगैरह देख रहे हैं, कई बार हवा में ऐसी उंगल होती है तो अपना वो 10 सेकेंड आगे पीछे हो जाता है, तो वो थोड़ा सा लगता है, इरिटेट करता है, क्योंकि जब तक टच ही नहीं किया तो अपने आप कर जाता है। ज़्यादा दूर हो तब नहीं करता, इतना पास हो, ऐसे इतना हवा में रखी हो तब कर देता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह चेक किया, तब मुझे पता लगा ऐसा कुछ होता है, होता पर थंब के साथ है, फिंगरों के साथ मेरा बिल्कुल नहीं होता। तो गाइस, आज के लिए इतने वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।